गुड मॉर्निंग क्लास क्लास फोर्थ नाउ इट्स टाइम टू मैथ्स स्टडी सो ओपन योर मैथ्स बुक एंड नोटबुक हियर चैप्टर नंबर 11 द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज राउंडिंग नंबर्स टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2 एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट टेंस ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम हियर स्टूडेंट्स इट हैज गिवन टू 24 एंड 63 नाउ यू विल एड 4 एंड 3 7 2 एंड 6 8 सो हियर इज 87 But here students, you will estimate it, after that you will add 24, now you will rounded it, so your rounded value is, round off value is 20, because here is one's digit is less than 5, so here we take in place of 4, 0 and here 2, so 20 and 63, here we will write 60, because in place of once digit we will write 0 and here is tens digit 6 so and we are not here changing tens digit so 6 is as it is students here is 20 and here is 60 so now you will add 20 and 60 here is 80 so your estimated value is 80 24 की आपने राउंड ऑफ करके इसको लिया है 20 क्योंकि ये आपका जो वंस की डिजिट है 4 या आपकी 5 से कम है एंड स्टूडेंट्स हेयर 63 हेयर आपने इसको यहाँ पर राउंड ऑफ कर लिया है 60 सो नाउ योर एस्टिमेटेड वैल्यू इज 80 नाउ क्वेश्चन नंबर बी 75 हेयर यू विल राउंडेड इट सो यू विल राइट हेयर 80 बिकॉज योर वंस डिजिट 5 इज इक्वल्स टू 5 ये 5 के इक्वल्स टू है वंस डिजिट 5 ही है तो आप यहाँ इसको 80 कर ले वंस की डिजिट पर प्लेस आप करेंगे 0 एंड टेंस की डिजिट में आप क्या करेंगे 1 ऐड कर कर 8 लिख देंगे 7 बाय 1 यहाँ 8 कर देंगे आप सो ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू 80 हो जाएगी एंड हेयर इज 26 को आप एस्टिमेटेड करके 30 करेंगे वंस की डिजिट हेयर इज 6 एंड 6 इज ये आपका 5 से मोर देन 6 इज मोर देन 5 सो हेयर यू विल टेक 0 एंड हेयर टेंस डिजिट 2 नाउ यू विल इंक्रीज 1 इन 2 सो 2 बाय 1 इंक्रीज इट हेयर यू विल राइट 30 सो स्टूडेंट नाउ यू विल ऐड दिस 80 एंड 30 योर आंसर इज 110 सो योर एस्टिमेटेड वैल्यू इज 110 नाउ क्वेश्चन नंबर ई 371 हेयर यू विल राउंडेड हेयर यू विल राइट लाइक दिस 370 and 562 here you will write 560 now you will add 370 and 560 so your estimated value is 930 now come to the question number 2 estimate the sum to the nearest hundreds also find the actual sum here is 5649 now you will round off and write it 5700 because students here is आपको यहाँ पर 100 की इस डिजिट में चेंज करना है राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 डिजिट में करना है तो वंस टेंस 100 100 की डिजिट आपकी यहाँ 6 है एंड 6 इज मोर देन 5 सो हेयर यू विल राइट 7 ओके स्टूडेंट्स सो हेयर इज 5700 अब आपने इसको करा है 3774 को राउंड ऑफ करके आपने यहाँ लिखा है 3774 यहाँ आपका आपने लिखा 3700 सो नाउ यू विल ऐड 5700 एट 3700 सो योर आंसर इज 9400 योर एस्टिमेटेड वैल्यू इज 9400 बिकॉज स्टूडेंट्स 9423 ये आपका 100 वाली जो डिजिट है 4 ये आपकी 5 से कम है इसलिए हमने इसको जब राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड वैल्यू लेंगे हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लेंगे 9400 नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स फाइंड द एक्चुअल सम ऑल्सो हेयर इज 59680 एंड हेयर इज 80745 व्हेन यू विल ऐड सो यू विल गेट हेयर 1,39,425 हेयर स्टूडेंट 59,680 सो यू विल राइट हेयर 60,000 टू राउंड ऑफ इट एंड 80,745 को राउंड ऑफ करके आप यहाँ लिखेंगे 80,000 नाउ यू विल एड द बोथ डिजिट सो योर एस्टिमेटेड वैल्यू इज 1,40,000 सो यू विल राइट हेयर 1,40,000 सो स्टूडेंट लाइक दिस यू विल सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस